नमस्कार दोस्तों, नाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का 2019 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2019 में यही क्वेश्चन आया था बाबू, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, किस लेवल का आया था, मैं आज आप लोग को ऑथराइज रूप से दिखाऊंगा। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट काफी डरे हुए रहते हैं, उनको फील होता है कि कितना हाई लेवल आया होगा, कैसा क्वेश्चन आया होगा। तो चलो इस वीडियो में आप आराम से, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कैसा कैसा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट में देखो बाबू, मैथ है और साइंस है। साइंस में बाबू तीन चीज आपका इसमें आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर? और मैथ अलग है। क्लियर? तो चार चीज आपको पढ़ना है इसमें, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 10th वाला में बाबू बायोलॉजी नहीं आता था। क्लियर? देखो बाबू, ये ऑथराइज है, क्वेश्चन चढ़ाया हुआ है झारखंड पॉलिटेक्निक का। तो देखो बाबू, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मैथ से स्टार्ट है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लो बाबू, कोऑर्डिनेट का ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। क्वेश्चन नंबर तीसरा बाबू ट्रिग्नोमेट्री है, चौथा ट्रिग्नोमेट्री है ना। पांचवा देखो ट्रिग्नोमेट्री। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा, बताओ √2 इरेशनल है कि क्या है? तो कोई भी बता देगा बाबू कि √2 जो है इरेशनल है। तो इरेशनल का ऑप्शन तो है नहीं, तो नॉट रेशनल है ना। नॉट रेशनल मतलब इरेशनल ही, तो ए हो जाएगा। तो मैं इसमें आंसर करने नहीं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कितना कितना ईजी है। सातवां नंबर देखो, प्रॉबिलिटी से है, मैं बताया हूँ प्रोबेबिलिटी ई और नॉट ई, हाँ और ना का प्रोबेबिलिटी हमेशा सम वन होता है। तो देखो बाबू, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखो बाबू, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो मैं बताया हूँ माइनस में कभी नहीं हो सकता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है प्रोबेबिलिटी। देखो ये मेरा क्वेश्चन नहीं है बाबू, 2015 का, 2019 का क्वेश्चन, मतलब पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरा मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना बाबू, बायोलॉजी डिटो क्वेश्चन लड़ेगा। देखो बाबू, बैग वाला है प्रोबेबिलिटी का ही, मेरा प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख लो, तुरंत क्लियर हो जाएगा है ना। इसमें भी बाबू जो है प्रोबेबिलिटी का ही है। ये देखो बाबू, पॉलिनोमियल का है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है ये क्वेश्चन। ये फ्रैक्शन वाला है बाबू, वर्क एंड टाइम का है ना। देख लो बाबू, टोटल कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन टोटल है। मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री दिखा। देखो एचसीएफ एलसीएम से है बाबू, है ना, रेशनल इरेशनल से है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, 10th लेवल वाला जो तैयारी करेगा बाबू। देखो मीन, मीडियन, मोड, मैं हमेशा फिक्स बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, लेटरल में भी, 10th लेवल वाला में भी, है ना। तो बाबू लेटरल सिर्फ नाम का है कि आईएससी का बच्चा को भरना है, आईटीआई का बच्चा को भरना है। क्वेश्चन जो आता है वो 10th लेवल का ही आता है। क्लियर? देखो बाबू कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का है ना। देखो मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लो, ये सब नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा है ना। 9 sec² - 9 tan² तो आप पढ़े होंगे, sec² a - tan² a बराबर होता है 1। तो चूंकि 9 दोनों में, तो 9 कॉमन ले लो दोनों में, हाँ तो पूरा का वैल्यू 1, इधर 9 है तो 9 हो गया आंसर, कुछ थोड़े है करना। देखो 9 आंसर हो गया। टेंजेंट वेंजेंट वाला है बाबू, देखो ये एंगल उंगल वाला है, सर्कल वाला है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है बाबू। देखो D2 NCERT का ही क्वेश्चन है। मोटर बोट वाला है, K का वैल्यू निकालने वाला है। 38 नंबर बोल रहा है AP का कौन है नहीं है बताना है। AP का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसमें देखो 0 से लेकर 50 तक का ओड नंबर का सम आपको बताना है ना। तो 50 क्वेश्चन बाबू, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बाबू, दूध भात है बाबू, मैं इस सब नहीं बता पढ़ाई और ट्रिग्नोमेट्री, देख के बोल सकते हो वन आंसर, ऊपर नीचे जोड़ने से 90 होना चाहिए।
देखो बाबू, ये देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टेंजेंट जो है सर्किल में, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट हाउ मेनी पॉइंट्स। टेंजेंट कितना पॉइंट पे काटता है बाबू? तो टेंजेंट आपको पता है ना, एक पॉइंट पे काट करके जाता है, एक पॉइंट पे। तो यही सब तो क्वेश्चन है बाबू। देखो इसमें एंगल उंगल निकालना है। देखो यही था पूरा मैथ, है ना। अब देखो बाबू फिजिक्स, फिजिक्स में देखो बाबू पहला क्वेश्चन आई का है, दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू रेजिस्टेंस को कौन बढ़ाता घटाता है बाबू? तो रिहोस्टेट, है ना। एकदम बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है बाबू। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। लाइट से बहुत सारा क्वेश्चन है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है, पीडीएफ चाहते हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और या तो आप मेरे लर्निंग ऐप में जुड़ जाओ, वहां पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। देखो पावर दिया हुआ है -2.5 डायोप्टर, बोल रहा कौन सा लेंस है। तो माइनस क्या बताता है बाबू? माइनस की कनकेव लेंस है। माइनस यही बताता है कि कनकेव लेंस है ना। माइनस बताता है कि कनकेव लेंस है। तो देखो बाबू ये हो जाएगा कनकेव। तो कुछ नहीं बाबू आपको, और मेरा आई वाला वीडियो देख लेना, एकदम बहुत इजी ट्रिक से मैं पढ़ाता हूँ। मेन मेरा एक ट्रिक है, मेन एम फॉर मायोपिया, बीमारी भी क्लियर हो गया। ई फॉर कनकेव, देखो कनकेव में लास्ट में ई होता है और कन्वेक्स में लास्ट में एक्स होता है, तो लास्ट वर्ड से ट्रिक बन गया। ई किस में है बाबू? कनकेव में। और एन फॉर नेगेटिव, तो देखो बाबू यहाँ था ना नेगेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव कौन होता है? कनकेव होता है। पॉजिटिव के लिए ट्रिक है मेरा पी एच एक्स, पी फॉर पॉजिटिव, एच फॉर हाइपरमेट्रोपिया, एक्स फॉर कन्वेक्स। तो अगर पॉजिटिव रहता तो कन्वेक्स लेंस होता, है ना। तो मेरा वीडियो देखो बाबू, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखो बाबू इसमें 66 तक आपका फिजिक्स है, यानी 51 से लेकर 66 तक आपका फिजिक्स है, क्लियर। अब देखो 67 से आपका केमिस्ट्री चालू हो गया, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है ना। पीएच वैल्यू से है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन है ना। और ये आपका मधुमक्खी के डंक में वाला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर है, अरे बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। देखो जिप्सम है, तो ये आपका कहाँ तक चलेगा क्वेश्चन? 83 तक। तो 83 तक आपका केमिस्ट्री है, और 84 से आपका आ जाता है चालू बायोलॉजी। तो मैं आपको 83 तक तो मेरा जीमा है क्वेश्चन कराना, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा जीमा है, और 84 से हो जाएगा बायोलॉजी। और ये हमारे निर्मल सर को हम जीमा दिए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये देखो ये 16 क्वेश्चन हो गया बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का आंसर की का वो वीडियो बहुत बढ़िया से बनाकर अपलोड भी कर दिए हैं, है ना। और मैं भी 1-2 दिन के अंदर में ये पूरा आंसर की इसका मतलब अपलोड कर दूंगा पूरा डिटेल में। देखो 100 क्वेश्चन टोटल आता है, क्लियर। तो ये था आपका पीडीएफ ऑथराइज रूप से, फेक क्वेश्चन नहीं बाबू, किताब में बहुत सारा फेक मिलता है। तो देखो 100 क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए आपको 2 घंटा मिलता है, मतलब देख लो 100 क्वेश्चन के लिए मात्र 120 मिनट आपके पास समय है ना। तो सोच लो कितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, क्लियर। तो आपको पूरा लैटरल एंट्री का तैयारी हमारे चैनल पे हो जाएगा, यूट्यूब चैनल पे तो होगा ही। अगर आप पूरा बेहतरीन ढंग से करना चाहते हो, 100% तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे लर्निंग ऐप से जुड़ जाइए। प्ले स्टोर पे जाइए, नैन क्लासेस सर्च मारिए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, क्लियर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।